अपनी मांगों को लेकर उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन की पदाधिकारियों व सदस्यों ने किया धरना प्रदर्शन। उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन नई दिल्ली के आह्वान पर चेयरमैन रेलवे बोर्ड द्वारा नॉन सेफ्टी कैटेगरी में 50% पदों को समाप्त करने के विरोध में 30 मई से लेकर 3 जून तक गेट मीटिंग व धरनों का आयोजन किया जा रहा है। उसी के क्रम में आज रेलवे स्टेशन पर उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन से जुड़े पदाधिकारियों व सदस्यों ने धरना प्रदर्शन कर रोष व्यक्त किया। धरने के दौरान यूनियन ने चेयरमैन रेलवे बोर्ड दिल्ली से मांग की कि इन आदेशों को तुरंत वापस लिया जाए और रिक्त पड़े पदों को तुरंत भरा जाए। इस दौरान मंडल उपाध्यक्ष रामप्रीत, सचिव शिवपाल, अश्वनी कुमार मिश्रा, बाबूराम एस एस वालिया, सैनपाल संजय सिंह, मुकेश कुमार, वी के सप्रा आदि मौजूद रहे। अमित नेगी, रिपोर्ट एवीपी न्यूज से। रामप्रीत है, मैं उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन अम्बाना मंडल का उपाध्यक्ष हूँ। आज सहारनपुर रेलवे स्टेशन के बाहर रेलवे प्रशासन के विरोध में हमने गेट मीटिंग किया है। हमारी मुख्य मांगे जो रेलवे में किया है हमारी मुख्य मांगे जो रेलवे में रेलवे बोर्ड ने जो 50% जो पोस्टेज चेंज करने का जो आदेश दिया है उसको तुरंत तत्काल वापस लें। हमारे रेलवे कर्मचारियों का जो नाइट लाउंज पे जो सीलिंग लगाई है उसको तत्काल हटाए। रेलवे आवासों का जो 10% किराया प्रतिवर्ष बढ़ता है उसको तत्काल वापस लें। और जो हमारी बहुत पुरानी मांग है एनपीएफ को रद्द किया जाए और पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। इसी के कड़ी में आज हम सहारनपुर स्टेशन पे एक गेट मीटिंग कर विरोध रेल मंत्रालय के खिलाफ जता रहे हैं और ये विरोध लगातार हमारा जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांगें ना मानी जाएं। अब इसी कड़ी में कल भी होगा, 12 से 1 बजे कल भी विरोध प्रदर्शन होगा और परसों हम खलनपा यार्ड में पूरे जोर शोर के साथ विरोध प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद।